इज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर देखा था तो आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट करेक्टर लिस्ट करेक्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे इसमें अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है या फिर आपके यूज़ आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंट ऑफ बींग अर्नेस्ट का कैरेक्टर इसको पब्लिश किया गया था फोर्टीन फरवरी 1895 नाइन्टी फाइव को और ये नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी से बिलोंग करता है जिसे विक्टोरियन एज कहा जाता है पहला है इसमें मेजर मेजर करेक्टर है जिसमें पहला है जेक अर्नेस्ट वदरिंग ही ही इज प्रोटोगेस्ट ऑफ द ड्रामा ये प्रो, ये ड्रामा का जो है प्रोटोगेनिस्ट होता है अरेस्पेक्टेबल यंग मैन हु डबल लाइफ ये जो अर्नेस्ट है ये डबल लाइफ उन डबल लाइफ को जो, जो स्पेंड करता है ही गो बाय द नेम अरनेस्ट इन टाउन होम इज पोर्ट्रेट एज जैक वी कैन एन द एंड द नोम ब्रदर एंड जैक इन द कंट्री ये जो अर्नेस्ट है ये अर्नेस्ट नाम से जो है ना एक टाउन में लाइफ जीता है और फिर एक कंट्री में रहता है जहाँ पे वो अपना ब्रदर अपना अपना ब्रदर का नाम जैक बताता है जहाँ पे वो खुद ही रहता है द एडोप्टेड सन ऑफ मिस द एडोप्टेड सन ऑफ मिस्टर थामस कार्डियो ये जो है एडॉप्ट करता है सन को जिसका नाम होता है मिस्टर कार्डियो जैक इज नॉट वनली हर टू ए फॉर्चून बट आल्सो बट आल्सो द गार्डियन टू कार्डियो ग्रैंड डॉटर सीस्ली ये जो है गा ये जो है कार्डियो का जो है गार्डियंस होता है यानी कि गा, उसका देखभाल करता है और वो जो है उसकी ग्रैंड ग्रैंड डॉटर सीस्ली होती है ही फॉल इन लव विथ ग्रैंड फायर फ्रैक्स ये जो है ये जो है ग्रैंड को जो है लव करते हैं लेडी ब्रैकनल डॉटर एंड आफ्टर ए सीरियस ऑफ अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इवेंट ये जो है इसके अब कुछ समय के बाद एक ऐसा इवेंट होता है घटना घटता है विच लेट टू द डिस्कवर डिस्कवर ऑफ हीज ट्रू आइडेंटी ये जो है इसकी जो पहचान होती है जो सच्चाई इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी होती है उसको डिस्कवर किया जाता है ही वॉज फैमिली अवेल टू मैरी ग्वैंडोलिन ये जो है ग्रैंड से जो है ना मैरी मतलब शादी करना चाहता है उसके बाद है सेकेंड नंबर पर एल्गर्नर मॉनक्राफ्ट क्राफ्ट मॉनक्राफ्ट ही इज जैक बेस्ट फ्रेंड ग्रैंडलोलिन कजन ये जो है अलगर्नर जो है ये जैक का जो है बेस्ट फ्रेंड होता है और ग्रैनलोलिन का जो है कज़न होता है एंड लेडी ब्रैकनल नेफ्यू और ले और जो ये जो बूढ़ी लेडी ब्रैकनल होती है उसका नेफ्यू होता है यानि कि भतीजा होता है ही इज ए चार्मिंग बैचलर एंड एक्स्ट्रा वेंजेट एक्स्ट्रा वेंजेट क्लैंडिटी ये जो होता है स्मार्ट स्मार्ट होता है चार्मिंग होता है बैचलर यानी कि अकेला होता है सिंगल होता है एक्स्ट्रा वेंजेट होता है हु मैं मैं विमार्क एंड बन बर्निंग विच इज टू फाइन क्लेबर वे टू गेट आउट फ्रॉम द सोशल ऑबियोगेशन ऑलियोगेसन ही प्रेजेंट टू वी जेक कजन यानि कि वो जो प्रेजेंट जो करता है जेक कजन को अर्नेस्ट इज ऑर्डर टू मीट सीसली कार्डियो यानी कि वो सीसली कार्डियो को बताता मतलब सी कार्डियो को जो है ना मीट करता है अरनेस्ट के नाम से उसके बाद तीसरा नंबर पे है ग्रैंडलोलिन फेयर फेयर फैक्स सी इज़ लेडी ब्रेकमेल लॉटर ये जो है ब्रेकमेल लेडी की जो है बेटी होती है एंड एलगर्नर कज़न और एलगर्नर की जो है कज़न होती है कज़न सिस्टर होती है एज वेल एज वेल एज जेक लव इंटरेस्ट और ये जो है जेक से लव करती है और उसमें इंटरेस्ट रहती है कॉस्मो कॉस्मोलिटन स्टाइलिश एंड स्पेसिटिस्ट सी हैज सी हैज पिनेटेड व्यू ऑन मैटर ऑफ टेस्ट मोरलिटी एंड द फैशन वो जो गैनलोलिन फेयरफेक्स की जो जो होती है वो जो है मैटर ऑफ टेस्ट होती है उसके अंदर मोरलिटी होता है और वो फैशन मतलब स्टाइलिश होती है सी इज आल्सो डिस्क्राइबेस एज विंग वैन एंड When and pretend pretendibious as so in her attitude of refusing, attitude of refusing. एटीट्यूड ऑफ रिफ्यूज़िंग उसके बाद है फोर्थ नंबर पे सीस्ली कार्डियो, जैक जैक वर्ड मिस्टर थॉमस कार्डियो ग्रैंड डॉटर एंड एडमायर बाय एलगर्नर ये जो है थॉमस कार्डियो जो होता है ग्रैंड डॉटर होता है और ये एडमायर बाय होता है अलगर्नर का सीस्ली इज ए सीस्लि इज एस्ट्रे आइट आइड यंग लेडी हु प्रिफेस राइटिंग इन हर डेली टू स्टडी सी ड्रीम सी ड्रीम ऑफ मीटिंग जैक कजन उसके बाद जैक जो है आ, उसका सपना होता है कि वो जो है ना जैक से मिले यानी जैक से कभी मिले अर्नेस्ट एंड लाइक अर्ने, अर्नेस्ट एंड लाइक ग्वेंडलोलिन वांटेड टू मैरी ए विथ ए दिस नेम वो चाहती है कि वो जैक से मिले और उसका जो सपना होता है उसका सपना होता है कि वो जो है ना शादी करे किसी अर्नेस्ट नाम के लड़का से लेडी ब्रैकनैल वो जो है आंटी होती है सीज अलगर्नर आंटी लेडी ब्रैकनैल जो है ये जो अलगर्नर होता है उसकी आंटी होती है एंड इज गलोलिन स्टफ़ एंड जजमेंटल जजमेंटल मदर और वो जो होती है स्टफ होती है और जजमेंटल जजमेंटल यानी कि न्याय न्याय का नजरिया उसका होता है और वो जजमेंटल मदर होती है सी हैज जे फायर व्यू ऑन मैरिज एंड मैरिज एंड अप होल इस्ट्रॉगली टू द विक्टो टू द विक्टोरियन सोशल कस्टम क्लास एंड ट्रेडिशनल वो जो लेडी ब्रैगनल होती है उसका जो है उसका जो है स्ट्रांगली जो है विक्टोरियन होता है सोशल कस्टम होता है क्लास होता है और ट्रेडिशनल यानी कि परम्परा होता है सी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट जैक सी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट जैक वांटिंग टू मैरी ग्वेंट ड्यू टू हीज क्वेश्चनेबल बैक बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड एंड परसेंटेज ये जो है ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो जैक जो है उसके अगेंस्ट वांटिंग मतलब मैं ग्वेंिन से शादी करने के लिए जो ना कुछ क्वेश्चन पूछती है उसका बैकग्राउंड क्या है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है ये सब पूछती है लेडी ब्रैकनल टर्म आउट टू बी जैक जैकी एंड आफ्टर जैक ट्रू आइडेंटिटी वॉज आइडेंटिटी वॉज रिवेलेटेड बाई मिस प्रियो मैनर कैरेक्टर अभी तक जो हम देखे वो मेजर कैरेक्टर था अब अभ, अभी अब अभ, अभ, मिस प्रियो से जो स्टार्ट है वो मैनर कैरेक्टर है तो फर्स्ट है She holds such read it view on morality that they seen quite ridiculous ridiculous. She is rather absent, mid late with made her made her made a mistake in the past by accidentally accidentally abandoning Jack in a handbag and leaving leaving him leaving him at Victoria Victoria Station twenty-eight years ago. मिस प्रियम जो है वो जो है वो बताती है कि कुछ मतलब कि ट्वेंटी एट ईयर्स पहले यानी कि अट्ठाईस साल पहले जो है विक्टोरियन स्टेशन में जो है ना एक एक्सीडेंट यानी कि एक घटना हुआ था जिसमें कि हैंड बैग था जो एडॉप्टेड uh, जो जैक uh, जो है वो जो है हैंड बैग में था और वो जो है ना हैंड बैग जो है उसको विक्टोरियन विक्टोरियन स्टेशन में ही छोड़ दिया गया था, था साल पहले छोड़ दिया गया था हर लव इंटरेस्ट इन डॉक्टर कोसिबल ये जो है इंटरेस्ट थी डॉक्टर कैसीबल में और उससे लव करती थी डॉक्टर कैसेबल डायरेक्टर एंड जैक कंट्री स्टेट एलगर्नर एंड जैक वैन टू हीम वैन वैन दे वॉन्टेड टू बी क्रिस्टन एट अर्नेस्ट जेक अलगर्नर और जेक जो था वो दोनों जो है वांटेड चाहता था क्रिस्टन और अर्नेस्ट मिस प्रियम लव इंटरेस्ट मिस प्रियम जो थी वो जो है ना लव में इंटरेस्टेड थी तीसरा है मेजर कैरेक्टर का तीसरा है मिस्टर थॉमस कार्डियो मिस्टर थॉमस कार्डियो द रिच मैन हु अडॉप्ट जैक एज ए बेबी एंड चार्जेस हिम विथ द विथ द गार्डियन ऑफ सीसली यानी कि मिस्टर थॉमस कार्डियो जो ये एक रिच ये अमीर आदमी था जो कि एडॉप्ट किया था जैक को Uh, जो कि अडॉप्ट किया था जैक को एज ए बेबी के रूप में चार्जेज इसमें चार्जेस था और ये गार्डियन गार्डियनशिप गार्डियन और इसके और ये जो है सीसली का गार्डियनशिप गार, गार, गार्डियन था यानी कि सीसली का गार्डियंस था थॉट ही नेवर एक्चुअल एपीरियर एज ए कैरेक्टर इन द प्ले ही ही रिफ्रेंड ए फ्यू टाइम चौथा है मिसिस मॉन क्रिप ंगली सी इज लेडी ब्रैकनैल सिस्टर एंड अलगनर मदर ये जो थी सी इज ये जो लेडी ब्रैकनेल की सिस्टर थी और अलगनर की मदर थी मिस मॉनक्रीप सी इज आल्सो द मदर ऑफ द बेबी एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली एबैंड हैंड बैग इन ए कॉडरूम एट विक्टोरियन स्टेशन मैंकिन हर जैक मदर एज वेल यानी कि ये जो ये जो मदर है इसकी ये ये जो एक्सीडेंटली जो है हैंड बैग में जो है विक्टोरियन स्टेशन में अट्ठाईस साल पहले ही वो छोड़ दी थी बैग को या भूल गई थी जनरल मॉर्फियो मॉनक्रिप मिसिस मॉनक्रिप हजबेंड एलगर्नट एलगर्नर फादर एंड लेडी ब्रैकनल ब्रदर इन लॉ जनरल मॉनक्रिप मौ, जो है ये हस्बैंड था हस, हस्बैंड था मिस्टर मिसेस मॉनक्रिप की अलगर्नर का फादर थे और लेडी ब्रैकनल जो थी उसके ब्रदर ब्रदर इन लॉ थे लेडी ब्रैकनल के ब्रदर इन लॉ थे ही टर्न आउट टू बी जैक फादर एंड जैक इज हीज नेम सेक। तो कैरेक्टर इतना ही था अभी हम इतना सारा करेक्टर था आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो थैंक यू